शॉर्ट हैंड का बेसिक तो खत्म हो गया है, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है। हाउ टू गेन स्पीड आफ्टर कवरिंग बेसिक, हाउ टू मूव टू एडवांस आफ्टर कंप्लीटिंग इंग्लिश शॉर्ट हैंड बेसिक, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अक्सर एसएससी स्टेनोग्राफर्स के मन में या कोई लीगल शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहा था उनके मन में आते रहते हैं। सो, इसका सॉल्यूशन क्या है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है हर एक बिगिनर स्टेनोग्राफर का जब वो शॉर्ट हैंड सीखते हैं कि अब उन्हें स्पीड कैसे आए, अब उन्हें एडवांस में कैसे स्विच करना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर बच्चे पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक खत्म कर रहे हैं, चाहे आप न्यू एरा से करें या चाहे आप ग्रीन बुक से करें, दोनों ही बुक से आपकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 60-70 वर्ड पर मिनट होती है। अनलेस आप हमारे किसी बैच से अगर करें तो वहां पर आपकी स्पीड 70-80 वर्ड पर मिनट तक आपकी स्पीड चली जाती है बेसिक खत्म करने के बाद। क्योंकि हमारा एक यूनिक तरीका है आपको बेसिक शॉर्ट हैंड सिखाने का। अगर आप भी चाहते हैं उसे एक्सपीरियंस करना तो मेक श्योर यू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड वॉच द डेमो वीडियोस इन ईच ऑफ अवर कोर्सेस। अब शॉर्ट हैंड बेसिक खत्म करने के बाद करें क्या? देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं एडवांस में स्विच करने के। आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो आपने सीखी है वो पिटमैन सर की थी। वो कहाँ के थे? यूनाइटेड किंगडम के। तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो एक्सेंट है, उनके जो वर्ड्स हैं, ये कहाँ के हैं? ये हैं यूके के। लेकिन आपको कहाँ के करना है? आपको इंग्लिश सीखनी है इंडियन एक्सेंट की, इंडिया की जो इंग्लिश है। तो इसमें जो स्विच करना होता है इसीलिए आपको करनी होती है इंडिया की मैगजीन्स। मैगजीन क्या होती है? जिसमें आपको लेफ्ट साइड शॉर्ट हैंड लिखा रहता है, राइट साइड आपको उसके बारे में ट्रांसलेशन दिया रहता है कि ये शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है। बहुत सारी मैगजीन्स हैं, जीडी बिस्ट की है, कैलाश चंद्रा की है, प्रोग्रेसिव मैगजीन्स हैं, लॉट ऑफ मैगजीन्स आर देयर। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका कि आप स्विच करते हैं। दूसरी बात, अब मैं बताऊं कि आप लोगों को सबसे पहले तो कैलाश चंद्रा की ही मैगजीन करनी चाहिए। ओके, कैलाश चंद्र की मैगजीन थोड़ी इजी रहती है एंड कंपैरेटिवली एग्जाम में इसके डायरेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने क्या किया? बेसिक खत्म किया, आपने फिर मैगजीन्स उठाई। ठीक, थर्ड तरीका यह है कि आप किसी टीचर को या तो फॉलो करें, जो टीचर आपको बेसिक, अगर उसी टीचर आपको बेसिक सिखाया है और वही एडवांस सिखा रहा है तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर नहीं अवेलेबल है आपका टीचर या आप स्विच करना चाहते हैं तो आप YouTube में बहुत सारे फ्री डिक्टेशंस अवेलेबल हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फ्री डिक्टेशंस कौन से स्पीड पे करें? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा जिस स्पीड पर आपकी सारी आउटलाइन बन जा रही है उसी स्पीड से करना है। इस बात को ईगो पर नहीं लेना है कि मैंने पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6, 8, 10, 11 महीने जो भी आप टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम मैंने शॉर्ट हैंड को दिया, अब भी मेरी स्पीड 50 वर्ड पर मिनट है। ये जब आप बेसिक शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो वो स्पीड अलग होती है, लेकिन जब आप एडवांस में स्विच करते हो तो वो स्पीड अलग होती है। एडवांस शॉर्ट हैंड की स्पीड में स्विच करना इज मच मोर इजियर, आप फटाफट स्पीड में इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन बेसिक शॉर्ट हैंड में ये नहीं हो सकता है। तो जैसे अगर आप 50 वर्ड पर मिनट के स्पीड से बढ़िया लिख ले रहे हैं तो आप उसी की डिक्टेशन लिखें और उसी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करें। ओके, मतलब आपने पहले 50 वर्ड पर मिनट पर डिक्टेशन ले ली, प्रैक्टिस की उसकी, देन उसी सेम डिक्टेशन को आपको करना है 60 वर्ड पर मिनट पे। ठीक है, आपने अगेन 60 पे लिखा, उसी एक मैटर को कम से कम 4-5-6 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। बच्चे ये चीज नहीं करते हैं। What do students think? They think के instead of practicing one matter 4-5 times, I'll go ahead and practice multiple matters one time. That is not the correct way. When you practice one matter at various speeds, then आपको actually में पता चलता है कि speed कैसे बढ़ रही है, उस matter में किस तरह से तेजी से words बोले जाते हैं, और जब तेजी से बोलते हैं तो outline कैसे change होती है, हो जाती है हल्की सी। Okay, so there are lot of छोटी-छोटी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसको आपको फॉलो करना है टू मूव टू एडवांस शॉर्ट हैंड। ओके, एंड दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो। छोटे वीडियो रख रहा हूँ, बहुत लंबा खींचता हूँ तो बच्चे देखते नहीं है, बट आई होप यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग बेसिक से जल्द एडवांस में स्विच करें, और एडवांस से स्विच करने के बाद में कोई ना कोई स्पीड बैच ज्वाइन करें या कोई ना कोई आप डिक्टेशन हायर स्पीड पे लेना स्टार्ट करें। ठीक है, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल एसेंस ऑफ स्टेनोग्राफी इज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल, वहां पे बहुत सारे आपको स्टेनोग्राफर्स मिलेंगे हु आर सिलेक्टेड, हु आर सर्विंग इन वेरियस
मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एज अ स्टेनोग्राफर, सो आपको प्लस मैं भी वहीं पर रहता हूँ, सो यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर, सो मेक श्योर यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू गेट द इमीडिएट अपडेट ऑफ वैकेंसीज एज वेल. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.